सोमवार को जिला मुख्यालय पर करीब एक दर्जन युवकों ने सहारा इंडिया परिवार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि कंपनी ने हजारों लोगों के करोड़ों रुपए को सहारा और सेबी विवाद के चलते खटाई में डाल रखा है। उन्होंने अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर आप दिख रहे हैं, तमाम युवा यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांग लेकर इन्होंने यहाँ जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। किस बात को लेकर आज इन्होंने यहाँ अपना ज्ञापन सौंपा, ये इनसे जानते हैं कि आज शुभ नाम है आपका। जी, मेरा नाम राजू राजपूत। राजू राजपूत, आज क्या मांग लेकर आए हो, आपने जो ज्ञापन सौंपा है किन बातों को लेकर इकट्ठे हुए और यहाँ तक आना हुआ? आज हम सारे कार्यकर्ता साथी, सारा इंडिया के फील्ड कार्यकर्ता हैं। हम लोगों पिछले 20-25 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी पिछले 5-6 साल से लोगों का पैसा नहीं दे रही है जो लोगों ने जमा किए हमारे माध्यम से, RD और FD के माध्यम से। कंपनी में जो सारा इंडिया में आप काम करते थे, किस पद पर और क्या काम था आपका? फील्ड में अलग अलग प्रकार की रैंकें होती हैं। हम लोग सारे साथी, कोई चीफ फील्ड मैनेजर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई मोटिवेटर है, कोई। ये तो पदनाम हो गया, काम क्या करते थे आप? हम लोग RD और FD के माध्यम से लोगों से पैसा जमा कराते थे कंपनी में। वो पैसे की समय होता था 5 साल की योजना, 6 साल की योजना, 4 साल की योजना। तो वो पिछले 4-5 साल से क्या कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है, सारा सेबी का विवाद है, उसका हवाला दे करके निरंतर आगे समय लेती है। अखबारों में भी दे देती है विज्ञापन, बोले आप लोग अभी धैर्य रखो, पैसा सबका मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसका समय आता है, 4-5 महीने का समय, का पैसा फंसा हुआ है। पैसा हमारा भी फंसा हुआ है और जमाकर्ताओं का भी फंसा हुआ है। हम लोगों ने अपना भी जमा कर रखा है, 20-25 लाख हमारे अपने जैसी जिसकी कैपेसिटी है, सबके फंसे पड़े हैं। आप काम करते तो आपका वेतन भी होगा? काम करते हैं तो पिछले 3 साल से हम लोग काम, पूरा वेतन हमारा रुका पड़ा है, पूरी प्रतियोगिताएं जो देती थी कंपनी, सब प्राइज वगैरह सब रुके पड़े हैं। हमारा TDS फंसा पड़ा है। यहाँ मथुरा में कंपनी की ब्रांच लगभग 95 से है। कितने कार्यकर्ता थे इसमें? यहाँ 1200 कार्यकर्ता पूरे मथुरा ब्रांच पे काम करते। किसी को नहीं मिला मानदेय? किसी को 3-4 साल से। सब उपभोक्ताओं का पैसा जमा है वो कितने हैं? उपभोक्ताओं का जो पैसा है वो मेरे अंदाज से कम 3-4 करोड़ रुपए इस समय पेंडिंग चल रही है। अब क्या चाहते हो आप? हम लोग चाह रहे हैं कि माननीय DM साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, वो हमारा जो है लंबे समय से विवाद चल रहा है, इसका निपटारा करा के और लोगों का भुगतान दिलवाएं। देखा, ये सभी लोग, जैसा इनका कहना है, ये सहारा समूह से जुड़े हुए लोग थे और ये उसके अभिकर्ता एजेंट थे। पिछले 4 साल से इन्हें मानदेय नहीं मिला है और इन्होंने जो लोगों का उसमें पैसा जमा कराया धन वृद्धि को लेकर, उनका भी जैसा इनका कहना है कि करोड़ों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं और कंपनी केवल उन्हें उनके साथ छलावा कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है और वादे के ऊपर वादे कर रही है लेकिन भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि इनके मामले का निस्तारण कराया जाए और जिन लोगों का पैसा वहाँ फंसा हुआ रुका हुआ उसका तत्काल भुगतान हो, जिससे कि इनकी जीविका चल सके। अब देखना यह है इनकी मांग पर कितनी जल्दी अमल होता है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।